नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में कल क्रेन द्वारा अजीब और लापरवाही पूर्वक चलाकर दो बाइक सवार परिवारों को चपेट में ले लिया, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने क्रेन जब्त कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार शाम को एक क्रेन चालक द्वारा तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक ही परिवार के पांच सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें चार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उस पर धारा 304 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं क्रेन को जब्त कर सुरक्षित खड़ा कर दिया है, जिसका अब मैकेनिकल परीक्षण होगा। फिलहाल मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कार्रवाई तो जो मौके पर होना थी वो हम लोगों ने प्राथमिक तौर पे तो जो बच सकते हैं उनको बचाने का प्रयास, जिनकी मृत्यु हो गई उनको मॉर्चरी में रखवा दिया। जो ड्राइवर था उसको रात में अरेस्ट कर लिया गया। क्रेन को चलाकर ले गए थे और वहां पर उसको एमपीओ में लेकर उसको सुरक्षित खड़ा कर दिया, जिसका कि अब मैकेनिकल परीक्षण होगा। इसके बाद में रात्रि में मुकदमा हम लोगों ने कायम किया है धारा 304 में, और धारा 304 में मुकदमा कायम करके ड्राइवर को अरेस्ट किया, जिसे ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा जाए। नहीं, उसका कहना था कि मैंने ब्रेक पर प्रेशर बनाया, लेकिन प्रेशर नहीं बना। हाँ, उसका कहना था पैडल पे ब्रेक नहीं आया, ऐसा उसका ड्राइवर का वर्जन है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।